हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्य एजुकेशन फॉर यू पर। आज मैं आप लोगों को सेंट्रल आइडिया लिखना बताऊंगा और इसमें बताऊंगा कि सेंट्रल आइडिया लिखते समय आपको किन मेन पॉइंट्स पर ध्यान देना है, इस सेंट्रल आइडिया में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हम उसमें उसको इंक्लूड करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जब सेंट्रल आइडिया हम लिखेंगे तो सबसे पहले सेंट्रल आइडिया लिखते समय हमें पोएम और पोएट का नाम मालूम होना चाहिए, ओके। इसके बाद में आप जब पोएम और पोएट का नाम मालूम हो गया तो आप शॉर्ट समरी आप उस पोएम का लिख दें, छोटे में समरी लिख दें। और समरी लिखने के बाद में उस पोएम की थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है, आप उसको उसमें इंक्लूड कर दें। और जो लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जो कंक्लूड आप करते हैं जब उस पोएम को, ओके, तो उसमें अगर आप पोएटिक चार्म्स को लिख दें, पोएटिक चार्म्स को हम कहते हैं काव्यगत सौंदर्य, हिंदी में इसको हम काव्यगत सौंदर्य कहते हैं। या आप पोएटिक चार्म्स हेडिंग डाल करके नोट लिख देते हैं तब भी आपका एक पोएटिक चार्म्स ही माना जाता है, ओके। तो अगर इन चार बिंदुओं को आप अपने सेंट्रल आइडिया में लिखते हैं तो आपकी सेंट्रल आइडिया बहुत अच्छी होगी और आपको उसमें पूरे के पूरे मार्क्स एग्जाम में मिल जाएंगे, ओके। तो आइए शुरुआत करते हैं कि पोएट और पोएम का नाम कैसे लिखेंगे। मान लीजिए, सपोज कर लीजिए आपको द लेबरनम टॉप पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना है, और इसका सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आप इसकी शुरुआत करेंगे कि दिस ब्यूटीफुल पोएम, यानी आप पोएम का नाम ले लीजिए कि द पोएम द लेबरनम टॉप हैज बीन कंपोज्ड बाय अ वेल नोन इंग्लिश पोएट आर पोएटेस टेड ह्यूजेस, ओके। इतना आप लिखेंगे। इसके बाद इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट, ऐसा कुछ करके शुरुआत करके, ओके, कि इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट या पोएट डिस्क्राइब दैट या पोएट पॉइंट्स आउट दैट करके आप उसकी एक शॉर्ट समरी लिख लीजिए। शॉर्ट समरी लिखने के बाद में उसके थीम पर आ जाइए कि इसका थीम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, विषय वस्तु क्या है, इसको आप उसमें शामिल कर लीजिए कि इस पोएम में कवि क्या बताना चाहता है। इन सभी चीज़ों को उसमें शामिल करते हुए समरी और थीम को शॉर्ट में, इसके बाद में आप उसको कंक्लूड करिए अंत में, जिसको आप एक पोएटिक चार्म्स कह सकते हैं उसमें, यानी इस काव्य ये पोएम क्यों सुंदर है, क्यों अच्छी है, और इसमें कवि ने इस पोएम को आकर्षक और रुचिकर बनाने के लिए क्या किया है, इन सभी चीज़ों को हम शामिल करते हैं। और आप जानते हैं कि पोएम में अलंकार, रस, छंद, ये सब चीज़ें, इसके दृश्य, इसमें नेचर का वर्णन, ये सब चीज़ें पोएम को और रोचक बनाती हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे कि इसमें कवि ने क्या यूज किया है। तो सबसे पहले पोएम को हम देखते हैं कि ये बोधगम्य है या नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है आसानी से या नहीं है, है ना, कि इसको हम बोधगम्य है कि नहीं है, ओके, अंडरस्टैंडिंग वाली ये पोएम है या नहीं है। और इसके बाद क्या ये डिडैक्टिक है, इससे डिडैक्टिक माने होता है शिक्षाप्रद, ये क्या शिक्षाप्रद है या नहीं, कौन सी शिक्षा देती है। और इस पोएम, ये पोएम जो है आपको जो है इंस्पायरेटिव है या नहीं, इससे कोई प्रेरणा मिलती है या नहीं मिलती है, आपको ये देखना होता है कि इसमें इंस्पायरेशन है कुछ या नहीं है। इसके बाद आपको ये देखेंगे कि ये पोएम कठिन है या सिंपल है, ये सिंपल सिटी है या नहीं है इस पोएम में। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद में आप ये देखेंगे कि क्या इस पोएम में कोई नेचर का तो उल्लेख नहीं है, पोएम क्या नेचुरल पोएम तो नहीं है, प्राकृतिक तो नहीं है, और क्या पोएट या पोएटिस ने इसमें इसको सब्जेक्टिव तो नहीं बना के रखा है। सब्जेक्टिव होता है जब पोएट और कवि अपना रुचि, अपनी रुचियों को उसमें शामिल करता है। इन सभी पॉइंट्स को आपको देखना है। इसके बाद में आपको देखना है कि ये रेटोरिक है या नहीं, रेटोरिक कहते हैं, चाहे फिगरेटिव आप कह लें, फिगरेटिव माने अलंकार, इसमें अलंकार यूज हुआ है, कौन सा अलंकार यूज हुआ है,
अगर उन अलंकार की उन लाइन्स को अगर आप इसमें लिख देते हैं तो आपके पोएम्स, आपकी जो सेंट्रल आइडिया होगी पोएम की, बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके, और आपको उसमें अगर राइटिंग भी आपकी अच्छी बन गई, इन सभी चीज़ों को आपने उसमें इंक्लूड कर दिया, तो आपको अच्छे से अच्छे अंक मिल सकते हैं, आपको कंप्लीट पूरे अंक मिल सकते हैं बोर्ड परीक्षा में, बशर्ते इन सभी चीज़ों को आप लिखें, और लिखने के साथ साथ आपकी राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। ओके, ठीक है। तो अब मैं आपको एक पोएम द लेबर नम टॉप बाई टेड ह्यूजेस की सेंट्रल आइडिया लिख करके आपको बताता हूँ। ओके, तो आइए समझते हैं कि द लेबर नम टॉप की सेंट्रल आइडिया हम लोग कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर सेंट्रल आइडिया मैंने बोर्ड पर ये लिखा हुआ है, आप इसको समझते चलिए और अपने कॉपी में नोट भी बनाते चलिएगा। ओके, कि द पोएम द लेबर नम टॉप इज ए वेल नोन कंपोजिशन ऑफ टेड ह्यूजेस। टेड ह्यूजेस की ये बहुत ही प्रसिद्ध कंपोजिशन है, कंपोजिशन माने रचना है। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स ए म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन ए लेबर नम ट्री, यानी लेबर नम ट्री व्हिच इज ब्यूटीफुल एंड कलरफुल बट क्वाइट एलोन एंड स्टिल, एंड ए गोल्ड फिंच बर्ड व्हिच इज क्वाइट अम्यूजिंग एंड ब्यूटीफुल बट विदाउट शेल्टर। यानी इस पोएम में कवि ने जो पारस्परिक संबंध है वह लेबर नम ट्री का के बीच और गोल्ड फिंच बर्ड के बीच में बताया है। लेबर नम ट्री जो है सुंदर है, कलरफुल है, पीले कलर का है, सुंदर है, लेकिन अकेला है और शांति है, उसमें आवाज़ नहीं है, जैसे वो निर्जीव सा हो। और जबकि गोल्ड फिंच पक्षी क्या है, वो बिल्कुल अम्यूजिंग है और सुंदर है, वह भी पीले कलर की है लेकिन बिना शेल्टर की है, उसके रहने के लिए उसके पास शेल्टर नहीं है, शरण कहाँ ले वह उसके पास नहीं है, आवास यानी रहने के लिए नहीं है। द ट्री गिव्स शेल्टर टू हर एंड हर चिक्स, यानी पेड़ उसको यानी गोल्ड फिंच पक्षी को और उसके बच्चों को शरण देता है, एंड इन टर्न द बर्ड टेक्स अवे इट्स डेड साइलेंस, और इसके बदले में वो पक्षी उस पेड़ की जो डेड साइलेंस है, पूर्ण शांति है, उसको लेकर चली जाती है, अर्थात पेड़ में भी जीवन का संचार कर देती है, उसको भी लिविंग बना देती है। ओके, तो इसमें इस पोएम को लिखने का कवि का क्या उद्देश्य रहा है, इसका थीम क्या है, वो है द पोएट वांट्स टू टेल द रीडर्स टू हेल्प ईच अदर एज ईच ऑफ अस हैज डिफरेंट कैपेबिलिटीज। कवि हमको ये चाहता है, मुझसे या पाठकों से जो इसको पढ़ें, चाहता है कि हम लोग एक दूसरे की हेल्प करें, जैसा कि हम लोगों के पास भिन्न भिन्न कैपेबिलिटीज है, क्षमताएँ हैं, जैसे पक्षी के पास कैपेबिलिटी है कि उसमें चहलकदमी करके फ्लक्चुएशन ला देती है, पेड़ में हलचल ला दे देती है। ओके, और पेड़ के पास ये क्षमता है कि वह उसको शरण दे सकती है, ऐसे हम लोगों में भी डिफरेंट डिफरेंट कैपेबिलिटीज हैं। वी शुड लिव विथ ईच अदर एंड ऑलवेज ट्राई टू लेंड ए हेल्पिंग हैंड। हम लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ रहना चाहिए और अपने जो हेल्पिंग हैंड है, मदद वाले हाथ लोगों को बढ़ाना चाहिए। इट ब्रिंग्स लव कोऑपरेशन एंड टॉलरेंस इन अस, ये हमारे अंदर प्रेम, सहयोग और सहानुभूति की भावना लाती है। अब आगे देखते हैं कि इसमें पोएटिक चार्म्स क्या है, इसकी भाषा किस तरह की है, ये पोएम को कैसे कवि ने आकर्षक बनाया है, इसकी स्टाइल क्या है, इसमें डिक्शन क्या है, ये इसमें कौन सी फिगर्स आप स्पीच आए हैं, किस लाइन में आए हैं, इसको आगे देख। यस, अब आते हैं लास्ट में, जो आपके सेंट्रल आइडिया को ज़्यादा आकर्षक बनाएंगे, और इसमें कौन कौन से फैक्ट्स हैं, क्या अलंकार है, किस तरह की स्टाइल है, जो चीज़ें आप पोएटिक चार्म्स में लिखेंगे ये इस पोएम को आकर्षक क्यों बनाती हैं, ये सब चीज़ें इसमें आएंगा। तो आइए द लेबर नम टॉप में हम देखते हैं कि क्या विशेष चीज़ है। तो फर्स्ट आप देखते हैं द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज इजी एंड कॉम्प्रिहेंसिव। जब आप इस पोएम को पढ़ते हैं तो आपको बहुत सरल लगता है,
और कॉम्प्रिहेंसिव है, व्यापक भी है, क्योंकि इसका कुछ उद्देश्य है और ये उद्देश्य आपको क्या प्रेरणा देता है। तो इस प्रकार से इसका जो इजी एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल में एक पोएम लिखी गई है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, इट्स सिंपलिसिटी, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ट्रीज एंड बर्ड्स मेक इट क्वाइट इम्प्रेसिव। इस पोएम में जो विशेष बात है कि बड़ी सिंपल सिटी है, साधारण है, क्योंकि एक ट्री और एक पक्षी की बात है, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है। पिक्टोरियल कहते हैं जो चित्रात्मक हो, जिसमें चित्र आप पेड़ का पाते हैं और पक्षी का पाते हैं, ओके, पीले कलर का पाते हैं, तो जो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है। और डिस्क्रिप्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, एक वाइल्ड लाइफ, एक जंगली जीवन यानी प्राकृतिक जीवन, जंगल के दृश्य का वर्णन है इसमें, पेड़ है, पत्ते हैं, जंगली पक्षी हैं, इस तरह का उसका वाइल्ड लाइफ, पेड़ और पक्षियों का जो वर्णन है, यह इस पोएम को बहुत ही इम्प्रेसिव बनाते हैं, प्रभावी बनाते हैं। जो थर्ड पॉइंट इसमें नोटिसेबल है कि वह इट इज रेटोरिक, एज द पोएट हैज यूज्ड मैनी फिगर्स ऑफ स्पीच इन इट। इसलिए रेटोरिक का मतलब होता है अलंकारिक, ओके। ये पोएम आपका अलंकारिक भी है, क्योंकि इसमें कवि ने कई तरह के अलंकार का प्रयोग किया है। जैसे कुछ लाइनें हैं, सिलीक एज ए लिजर्ड, सिलीक मतलब चिकना, जैसे लिजर्ड की तरह। तो देखिए ये सिमिली अलंकार फिगर आप इस बीच है, क्योंकि जो लिजर्ड की तुलना गोल्ड फिंच पक्षी से की गई है। और दूसरा है, इसमें जब आप पढ़ते हैं पोएम को, तो इसमें चीरप, चिटरिंग, ट्रेलिंग्स, इन सभी शब्दों को पाते हैं, और ये शब्द साउंड के हैं। जो साउंड के शब्द होते हैं या ऐसी पोएटिक कंपोजिशन जिसमें साउंड का मेंशन होता है, वो ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच कहलाती है, जिसको हम हिंदी में ध्वनि सूचक, इस सिमिली को हम कहते हैं उपमा अलंकार, और जो ओनोमेटोपोइया है इसको हम कहते हैं ध्वनि सूचक अलंकार, ओके, क्योंकि इसमें ध्वनि आया है, चीरप, चिटरिंग, ट्रेलिंग्स। और इसी तरह जो नेक्स्ट है, इसमें सितंबर सनलाइट शब्द आया है, तो सितंबर का यश देखें, सनलाइट का यश देखें, यानी वर्ड अलग अलग हैं लेकिन उनकी स्टार्टिंग का लेटर एक है, इसीलिए यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का उल्लेख है। एलिट्रेशन को हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं, जिसे आप हिंदी भाषा में भी पढ़ते हैं कि जब एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ऐसे सेप्टेम्बर और सनलाइट में यस यस का आया है, ओके। तो इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार का भी यूज इस पोएम में हुआ है। और नेक्स्ट है ये मशीन ऑफ चिटरिंग, आप जब इस पोएम को पढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि ये मशीन ऑफ चिटरिंग स्टार्ट्स, तो मन यानी आवाज़ की एक मशीन स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ पर कोई मशीन नहीं है, बल्कि इस पक्षियों का पक्षी का घोंसला है, उसके बच्चे हैं, उनके आवाज़ को ही जो है मशीन कहा गया है, मशीन ऑफ चिटरिंग्स। तो यहाँ पर एक सिंबालिक अर्थ है, इस मशीन ऑफ चिटरिंग मशीन का एक सिंबालिक अर्थ है, इसलिए इसको रूपक, इसमें रूपक अलंकार है, तुलना ना करके तुलना के शब्द इसमें अंडरस्टूड होते हैं, तो इसमें रूपक अलंकार भी है। और नेक्स्ट जो है लॉस्ट है कि द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड ट्रिल्स, पूरा पेड़ कांपता है और उसमें से ट्रिल्स करता है, ध्वनि निकलती है, ओके। तो इस प्रकार से कांपने का काम, डर से कांपना, एक ट्रम्बुल माने डर से कांपना, डर से कांपने का काम कोई सजीव करता है। पेड़ तो एक प्रकार से उसको डर और प्रशंसा, ये सब चीज़ें उसकी सो नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से इस पेड़ को ऐसे दिखाया गया है कि जैसे मानो वह सजीव हो और डर कांपता हो, ओके। तो जब किसी सजीव, किसी भी निर्जीव को या ऐसे लाइफलेस चीज़ को या ऐसे ऑब्जेक्ट को जो जिसको मनुष्य की तरह हरकत करके दिखाया जाए, उसको हम पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, जिसकी हिंदी होती है मानवीय करण अलंकार। तो इस प्रकार से इस पोएम में कवि ने सिमिली, ओनोमेटोपोइया, एलिट्रेशन, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है। इस प्रकार से लिख करके आप अपने सेंट्रल आइडिया को कंक्लूड कर देंगे
और आपको अच्छे से अच्छे अंक मिलेंगे। आप जब कोई भी सेंट्रल आइडिया लिखिए या कोई भी पोएम पढ़िए तो इन पॉइंट्स को जरूर उसमें खोजिए कि ये हैं या नहीं, कौन कौन से फिगर आप इसकी जाए हैं। और जब आप ऐसा आप कर लेंगे तो आपकी सेंट्रल आइडिया बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ओके, आज बस केवल इतना ही। आप अगर चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई डियर स्टूडेंट्स।